हेलो दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज किस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एसुस के जेनफोन 8 के बारे में। दोस्तों, एसुस अपना एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है जो कि एसुस जेनफोन आपको देखने को मिलेगा। यह स्मार्टफोन कुछ समय में इंडिया में लॉन्च होने की संभावनाएं लग रही है। अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं या नया स्मार्टफोन के बारे में सोच रहे हैं तो आपके काफी तरह से चांसेस है, आपको इस स्मार्टफोन को भी एक बार अपने टाइप से विजिट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी प्राइस बताने वाला हूं कि यह स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, हमारा ओपिनियन क्या रहेगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन डिटेल में। इसके अंदर आपको क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, क्या प्राइस देखने को मिलेगी, क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कुछ नया सीख सके, कुछ नया जान सके, कुछ नया देख सके। उसके लिए ये वीडियो कंप्लीटली जरूर देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे पहले बात करी जाए इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की। इसके अंदर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिलती है वह 5.90 इंच की डिस्प्ले आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। यह आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है 446 ppi पर बेस्ड 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आपको ये पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया, काफी शानदार है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बैक कैमराज, रियर कैमराज के बारे में। तो इसके अंदर आपको जो बैक एंड में कैमराज को मिलते हैं वह दोस्तों कुछ इस प्रकार रहेंगे। इसके अंदर आपको जो कैमरास रहेंगे 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल के रहेंगे। सेल्फी कैमरा की बात करी जाए तो इसके अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। नेटवर्क फैसिलिटीज की बात करी जाए दोस्तों तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो नेटवर्क फैसिलिटीज देखने को मिलेगी यह आपको 5G वेरिएंट पर देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग फैसिलिटीज की। तो इसके अंदर आपको जो बैटरी बैकअप एंड चार्जिंग फैसिलिटीज देखने को मिलती है यह स्मार्टफोन आपको 4000 mAh के बैटरी बैकअप के साथ में देखने को मिलता है 30 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग फैसिलिटीज के साथ में जो कि काफी ज्यादा शानदार, काफी बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की। सबसे पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस के अंदर हम सबसे पहले इसके रैम एंड इंटरनल स्टोरेज की बात कर लेते हैं। तो ये अलग अलग वेरिएंट पर लॉन्च होगा, जो भी वेरिएंट आपको लेना है इच्छा आपकी रहेगी, जैसे कि 6GB 128GB 8GB 128GB काफी वेरिएंट में आएगा। जो भी वेरिएंट लेंगे इसके प्राइस इसके वेरिएंट के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में सबसे पहले इसकी सीपीयू को ले लेते हैं। तो इसके अंदर आपको जो सीपीयू देखने को मिलता है वह ऑक्टा कोर का 2.84 GHz पर बेस्ड है। इसकी स्पीड को बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए इसमें सिंगल कोर का 2.4 GHz का सीपीयू लगाया गया है, लेकिन इसकी स्पीड को और ज्यादा बूस्ट एंड अपग्रेड करने के लिए इसमें ट्राई कोर का 1.8 GHz का सीपीयू लगाया गया है जो काफी हद तक इसकी स्पीड को बूस्ट एंड अपग्रेड कर देता है जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की। तो इसमें सबसे पहले हम इसके चिपसेट को ले लेते हैं। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको जो चिपसेट देखने को मिलता है वह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है जो कि काफी बढ़िया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के ग्राफिक्स की। इसके अंदर आपको जो ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं वह एंड्रॉइड 660 आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया है। ओवरऑल सब कुछ जानने के बाद अब हमारे मन में इसकी एक्चुअल प्राइस क्या रहेगी। तो दोस्तों, यह स्मार्टफोन जो प्राइस पर आपको देखने को मिलता है इसकी प्राइस के वेरिएंट के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। जो भी वेरिएंट आप लेना चाहते हैं इसकी प्राइस इसके वेरिएंट पर रहेगी। अगर आप दोस्तों 6GB 128GB लेते हैं
तो ये आपको 44,190 रुपए की एक्सपेक्टेड प्राइस के अंदर लॉन्च होने की संभावना है लग रही है। तो कुछ समय में ये इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो फिलहाल अगस्त मंथ में लॉन्च होने की संभावना लग रही है। अगर आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करके आप इसे बाय कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।